हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जब आपका मूड खाना बनाने का ना करे और आपको बहुत तेज़ से भूख लगी हो, तो आज की रेसिपी ऐसी रेसिपी है जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ ऑयल, 2 बड़ा चम्मच ऑयल। अब इसे हमें अच्छी तरीके से गर्म करना है। तो फ्रेंड, हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे हींग, 2 छोटी चुटकी, क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर इसके बाद मैं इसमें डालने वाली, इसमें 3 ग्रीन चिली डाली है। फिर इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 ऑनियन, जो हमने थोड़ा सा मोटा मोटा काट कर रखा है। अब इसे हमें हल्का सा सौते करना है। तो फ्रेंड, ये देखिए, हमारी प्याज हल्की से सौते हो गई, हमें इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब मैं इसमें डालने वाली नमक, 1 चम्मच नमक, इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ इंडिया गेट बासमती राइस, जो मैंने उबाल कर रखा है, ये देखिए। अब इस राइस को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे हमें इस तरह से चलाना है। तो फ्रेंड, ये देखिए, हमने चावल को मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ सोया सॉस। सोया सॉस डाल के हमें इसे चलाना है। तो फ्रेंड, इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा ये कितना खूबसूरत है। अब इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ दही, जो बिल्कुल ताज़ा है। मैं इसमें 2 चम्मच डालने वाली हूँ। इसको डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। इसे हमें चलाना है। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारी न्यू न्यू वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। अगर आपको ये चाइनीज़ राइस अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अब ये देखिए, ये अच्छी तरीके से सौते हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ फ्लेवर के लिए डालने वाली हूँ लाल मिर्च, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च। अब इसे भी मैं मिक्स कर रही हूँ। कितना खूबसूरत कलर आया है। ये चाइना में बहुत पसंद किए जाते हैं ऐसे राइस, लोग वहाँ पे बहुत ही खाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ फ्रेश पुदीना। मैंने पुदीने के पूरे पत्ते डाले हैं, अगर आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, लेकिन जो साबुत पुदीना होता है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ फ्रेश कोरिएंडर, जो मैंने इसको भी हल्का सा काटा है, ज़्यादा नहीं काटा है। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फ्रेंड, ये देखिए, सिर्फ 5 मिनट में हमारे चावल रेडी हैं। बस इसको 2 मिनट और ऐसे कुक करना है, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब ये देखिए, कितने डिलीशियस लग रहे हैं और ये बहुत ही फ्रेश है। अब फ्रेंड, हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे लास्ट में, और इस गरम मसाले को डालकर हमें इसे मिलाना है। तो फ्रेंड, ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। आप गरम मसाले लास्ट में डालें, क्योंकि लास्ट में गरम मसाले डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारी न्यू न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड, ये देखिए, हमारे चावल कितने खिले खिले हैं, क्योंकि हमने इस्तेमाल किए हैं इंडिया गेट बासमती राइस। ये इसकी खासियत ये होती है, अगर आप पुलाव वगैरह नहीं बना पाते हैं, आपको चावल टूटने का डर लगता है, तो आप इंडिया गेट रखिए, क्योंकि इंडिया गेट बहुत सालों तक सेफ होते हैं, सेफ करके रखे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पानी को अब्जॉर्व करते हैं और चिपकते बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ज़रा सा घी डालते हैं, मैंने तो इसे नॉर्मली पानी डाल के उबाला है, और ये देखिए, बिल्कुल खिले खिले बने हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो को इस तरह देखने का और साथ देने का। और तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।